हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.3 कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सो so देखिए देख लेंगे लूज कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में जिसमें हम देखेंगे एरियोलर एडिपोज एंड रेटिकुलर टिश्यूज एंड देख लेंगे डेंस कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में जिसमें हम देखेंगे रेगुलर इरेगुलर एंड इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यूज़

अंडरलाइंग टिश्यू देखिए इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये ऑर्गैन्स को उनके प्लेस पे होल्ड करके रखता है और देखिए ये अटैच करता है एपिथेलियल टिश्यू को टू द अंडरलाइंग टिश्यू से अटैच करके रखता है बिकॉज इसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है तो उसको कनेक्ट करके रखता है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो हमने अपनी प्रीवियस वाली जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें हम हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में सो so, ऑल्सो क्या होता है देखिए इट ऑल्सो सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फॉर सराउंडिंग टिश्यू सो देखिए एक तरह का रिजर्वायर एक तरह का Uh, हम कह सकते हैं कि ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है वाटर और सॉल्ट अपने सराउंडिंग टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑप्टेन देयर न्यूट्रिय एंड रिलीज देयर वेस्ट इन टू द एरुलर कनेक्टेड टिश्यू सो ऑलमोस्ट सारी ही सेल्स जो होती हैं वो अपने न्यूट्रिय ऑप्टेन um, uh, uh, करती हैं इस तरह के एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू से और सारा ही वेस्ट जो होता है वो अपना रिलीज करती हैं एरूलर कनेक्टेड टिश्यू में सो so, उसका बेसिक फंक्शन ये होता है देन लोकेशन क्या होता है देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूट

पैक्ड एडिपोसाइड्स और जिनको हम फैट सेल्स भी कह सकते हैं देखिए फैट ड्रॉपलेट होते हैं इसमें जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में एंड हैव न्यूक्लियस पुश्ड टू द साइड बाय द लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स तो देखिए ये यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि पुश टू द साइड जो कि साइड में पुश कर दिया जाता है बाई दिस लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स के द्वारा देन फंक्शन क्या होता है इसका प्रोवाइड रिजर्व फूड फ्यूल इंसुलेट अगेंस्ट हीट लॉस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गैन्स तो देखिए इसका मेन बेसिक फंक्शन होता है कि ये ये भी उसी एरियोलर कनेक्टेड कनेक्टिव में जैसे हमने देखा था उस तरह ये भी प्रोवाइड करता है रिजर्व फूड, फूड फ्यूल प्रोवाइड करता है इंसुलेट करता है बॉडी को अगेंस्ट हीट लॉस से सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेन्स को फिर इसकी लोकेशन कहाँ होती है देखिए अंडर द स्किन अराउंड किडनी एंड आई बॉल्स विद इन एपडोम इन ब्रेस्ट एंड फैट फा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियस में सो ये था देखिए कनेक्टेड टिश्यू एडिपोस कनेक्टेड टिश्यू के बारे में देखिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टेड टिश्यू का थर्ड सब टाइप देख लेते हैं रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं देखिए इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू दैट प्री डोमिनेट इन वेरियस लोकेशन दैट हैव हाई सेलुलर कंटेंट सो देखिए ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टेड टिश्यू होता है जो कि प्री डोमिनेट करता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है अलग अलग लोकेशंस पे जहां पर हाई सेलुलर कंटेंट होता है वहां ये पाया जाता है इट हैज अ ब्रांच एंड मैश लाइक पैटर्न तो देखिए इस तरह का इसमें ब्रांच मैश लाइक पैटर्न होता है

स्ट्रक्चरल सपोर्ट सच एज दैट इन लिम्फॉइड ऑर्गैन कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जैसे रेड बोन स्प्लिन, लिम्फ नोड एंड स्ट्रॉमल सेल्स देन लोकेशन कहाँ होती है इसकी इसकी देखिए लिफॉइड ऑर्गेन जैसे हमने यहाँ देखा था लिम्फ नोड बोन मैरो माइक्रोफेज स्प्लिन एंड स्ट्रामल सेल्स तो ये इन सारी ही जगहों पर यह प्रेजेंट होता है ना देखिए कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर में हम सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं डेंस कनेक्टेड टिश्यू अभी तक हमने लूज कनेक्टेड टिश्यू देखे थे ना डेंस कनेक्टेड टिश्यू में जो फर्स्ट सब टाइप है वो है इररेगुलर डेंस कनेक्टेड टिश्यू क्या होते हैं देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में प्राइमरीली इेगुलरली अरेंजड कोलेजन फाइबर तो देखिए इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ये सारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं देखिए तो ये इररेगुलरली अरेंज कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें सम इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड मेजर सेल टाइप इज फिब्रोब्लास्ट सो सबसे मेजर सेल टाइप क्या प्रेजेंट होता है इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है फंक्शन क्या होता है इसका इलास्टिसिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये एंड लोकेशन कहाँ होता है इसका देखिए डर्मिस ऑफ द स्किन सब म्यूकोसा ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड जॉइंट्स एंड कोलेजन फाइबर्स तो ये सारे इसके लोकेशंस होती हैं ये था डेंस कनेक्टेड टिश्यू के बारे में इरेगुलर टाइप के बारे में ना देखिए कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर में डेंस कनेक्टेड टिश्यू में सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टेड टिश्यू तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है देखिए प्राइमरीली पैरलर कोलेजन फाइबर्स तो देखिए इस तरह के इसमें इस तरह के पैरलर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड अ फ्यू इलास्टिन फाइबर्स कुछ इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं मेजर सेल टाइप इज फिब्रोब्लास्ट तो सेल टाइप में सबसे मेजर क्या प्रेजेंट होता है इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है देन फंक्शन क्या होते bone so, इस, होता है देखिए इसका अटैचेज मसल्स टू बोन एंड बोन्स टू बोन तो ये इसका फंक्शन होता है मसल्स को बोन से अटैच करती है एंड बोन को भी बोन से अटैच करती है आपस में देन लोकेशन कहां होती है इसकी टेंडेंस एंड इन मोस्ट लिगामेंट्स देखिए कनेक्टेड टिश्यू प्रॉपर में डेंस कनेक्टेड टिश्यू में थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं इलास्टिक सो डिस्क्रिप्शन क्या होती है देखिए इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू इज अ अफाइड कनेक्टेड कंटेन न्यूमरस इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू द कोलेजन फाइबर सो देखिए इस तरह का ये डेंस टिश्यू होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इलास्टिक फाइबर इन एडिशन विद कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं विच अलाउ द टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग सो देखिए बिकॉज इसके नेम से ही पता चल रहा है इलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है टिश्यूज को अपनी ओरिजिनल लेंथ तक लाने की इसकी प्रॉपर्टी होती है आफ्टर स्ट्रेचिंग लोकेशन क्या होती है देखिए लोकेटेड इन द रीजन वेयर टेंडेंस अटैच टू द बोन एंड द इनवर्टिब्रल डिस्क तो ये दोनों ही जगह पर पाई जाती है जहां पर टेंडेंस बोन से अटैच होते हैं एंड इन्वर्टिबल डिस्क पाई जाती है देन फंक्शन क्या होता है इसका मेजर फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स तो वो सारे वो ऑर्गैन जिनमें स्ट्रेचिंग रिक्वायरमेंट होती है तो उनका मेजर कॉम्पोनेंट होता है ये जैसे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन अनोटमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.4 पॉइंट फोर कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज्ड सो कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज को देख लेंगे हम डिटेल में सो so, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में